मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। मिस्टर इलॉन मस्क जी का रैंक 232 है लेकिन मेरा 14 है, तो मैं उनसे ज्यादा, मेरा रैंक उनसे ज्यादा है। मैं 17 घंटे काम करता हूँ, वो भी पिछले 9 महीने से लगातार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सुबह उठो और तब तक भागो जब तक तुम अपने सपनों को पूरा ना कर लो, इसलिए मैं भाग रहा हूँ अपने सपने के पीछे और एक दिन यह जरूर पूरा होगा। 13 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? आप पढ़ाई कर रहे थे या आप खेल कूद कर रहे थे साथ साथ में? लेकिन एक ऐसे जनाब हैं जो 13 साल की उम्र में यंगेस्ट सीईओ बन चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े भी हुए। कैसे बने वो 56 कंपनी के सीईओ, खुद अपनी कहानी बताएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के सूर्यांश हमारे साथ मौजूद है। सूर्यांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक। जी जी धन्यवाद। मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 13 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। जी, और इसी के पीछे की कहानी सूर्यांश हम जानना चाहते हैं। ये 56 कंपनी के सीईओ, यानी कि आपने एक तरह से जो बड़े बड़े इलॉन मस्क है या फिर अंबानी अडानी, उनको भी आपने पीछे छोड़ दिया क्या इस लिस्ट पे? जी हाँ, तो टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस पूरे दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है। तो उसी के रैंक मेरा रैंक सिर्फ 14 आया है, जिसमें 7 करोड़ लोगों मेरा रैंक 14 आया है और बड़े बड़े दिग्गज बिलियनियर और एंटरप्रेन्योर्स का रैंक उसमें 200-250 से ऊपर है। ये मस्क वस्क को भी आपने छोड़ दिया पीछे? जी, मिस्टर इलॉन मस्क जी का रैंक 232 है लेकिन मेरा 14 है, तो मैं उनसे ज्यादा, मेरा रैंक उनसे ज्यादा है। जी, अच्छा, अब इसके पीछे की कहानी बताइए। ये 56 कंपनी के सीईओ, मतलब देश के यंगेस्ट सीईओ आप बन गए हैं 13 साल की उम्र में। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र यंगेस्ट सीईओ बन गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी शुरुआत हुई क्योंकि बचपन से ही मैं स्टूडियस स्टूडेंट से ज्यादा क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ। मैं हमेशा पढ़ना नहीं चाहता था, मुझे ये जानना था कि पढ़ाई की कैसे जाती है। मैं एग्जाम देने से पहले उस एग्जाम के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे उसके बारे में प्रिपेयर किया जाता है, यही सब बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। यही इंटरेस्ट धीरे धीरे बिल्डअप होते होते मुझे टाइम में इंटरेस्ट आया, स्पेस में इंटरेस्ट आया, टाइम ट्रेवल, ये सब के बारे में जानने लगा। फिर बिजनेस में अचानक से इंटरेस्ट आ गया और यही काम करते करते अभी तक 56 से ज्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और उसपे काम कर रहा हूँ। और ये सिलसिला कब आपने शुरू किया था? कौन से साल में जो है इसकी शुरुआत की थी आपने? 2021 के जून से मेरा इंटरेस्ट आया था इस फाइनेंस और बिजनेस के फील्ड में और तब अभी तक मैं चल रहा हूँ इसी में। जी, और ये जो आपकी 56 कंपनीज हैं, ये किस तरह की कंपनीज हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप बता पाए? मैं बताऊंगा, क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में हमारी कंपनी है, ई कॉमर्स हो गई, आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो गई, न्यूज मीडिया हो गई, उसके बाद हमारी डिजिटल एंटरटेनमेंट हो गई, एड मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गई, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो गई हमारी टेक, मतलब पूरी इंडस्ट्री पे आप कब्जा करना चाहते हैं, न्यूज मीडिया में भी आप कब्जा करना चाहते हैं। आया हूँ कि पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देते, एक साथ 56 शस्त्र लाया हूँ अपने साथ जो अलग अलग फील्ड्स में आगे बढ़ेंगे। जी, बात करें आम लोगों की इससे जुड़ी, अगर बात करें एक जैसे उबर है, जैसे ओला है, वैसे ही आप एक कंपनी जो है वो भी ला रहे हैं? जी 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 जिप्सी कैब्स, ओला भी हमारे तरह बिजनेस मॉडल पे चल रहा है, ओला हमारी तरह ही कंपनी है जिप्सी कैब्स, जो कि दुनिया की चीपेस्ट राइड शेयरिंग कंपनी बनने वाली है। कैसे कैसे बनाएंगे आप उसको चीपेस्ट हेलिंग सर्विस? जी 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 तो हम लोग ने अपना ऑपरेशन कॉस्ट को तभी घटा लिया जब हम लोग टेक को अपने ऊपर ले आए, अपने टेक के कारण हम लोग काम कर रहे हैं और सारी बिजनेस हमारी टेक ड्रिवेन है, इसलिए हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट एकदम घट गई है और हम प्लान कर रहे हैं कि दुनिया की चीपेस्ट बनाने का। तो इसलिए क्योंकि राइड शेयरिंग कंपनीज मैक्सिमम लॉस में रहती हैं, लेकिन हमारा ड्रीम है कि हम पहली बार पूरे इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल बने। जी, और ये तमाम आपको आइडियाज कहाँ से आए कि एक इस तरह की कंपनी खोली जाए, एक मैट्रिमोनियल खोली जाए और बाकी भी आपने जैसे कहा क्रिप्टो करेंसी भी आपने कहा, तो ये सब आप नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो करेंसी की भी? जी, क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 6 महीने लग गए थे पूरे ये सब सीखने में, फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ये सब। और इसीलिए 56 स्टार्टअप मेरे डाइवर्सिफिकेशन में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट करना आता है और इसलिए मेरी सारी कंपनी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यानी अगर डिजिटल मार्केटिंग भी करवानी होगी तो मैं अपनी जेसीफाई के पास चला जाऊंगा, अगर हमें एड भी बनवानी होगी तो हम जयस जॉलीज के पास चले जाएंगे, तो सारी कंपनी हमारी इंटरकनेक्टेड है जिससे हमें कभी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, आपने कहा कि आप मार्केटिंग में एकदम नंबर वन है, अगर उदाहरण के तौर पर आप बता पाएं कि अगर एक क्रिप्टो करेंसी की जैसे आपकी कंपनी है, कैसे आप उसे मार्केट करते हैं? जी, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है कि हम लोगों को सपना दिखाते हैं और उसको पूरा करने का हिम्मत रखते हैं, ये एक सेंटेंस का जवाब होगा। हमारी मंत्रफाई लोगों को ये दिखाना चाहती है कि आप भी इस फाइनेंशियल रिवोल्यूशन में, इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप
आप फील ले सकते हैं कि हम भी इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के हिस्सा हैं, तो जी उन्हें हम सपना दिखाते हैं और सपना तोड़ते नहीं, उसे बरकरार रखते हैं और उन्हें अपने मुकाम पे एक बड़ा आदमी बनाते हैं। और सूर्यांश, सबका देखिए कंपनी शुरुआत करते हैं, एक भी कंपनी की शुरुआत होती है तो उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है और भी अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा कहाँ से आता है ये सारा आपके पास? ये तो अभी पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं ये सब करने में, पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट जी रही है अभी तक। जी और सुना आपके पिताजी की तरफ से भी काफी सपोर्ट रहता है? बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं मेरे दोनों पेरेंट्स, और मेरी बहन की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, क्योंकि मेरे पापा एक जी इंटरनेशनल सोशल वर्कर हैं, उनकी एनजीओ है चिक्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई है, और उनको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस हासिल है। तो एक जी माहौल बच्चे को हमेशा आगे बढ़ाता है, तो उनका जो उन्होंने मुझे माहौल दिया है और जो वो अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिन के अभी 17 घंटे काम करता हूँ, तो उनका 17 घंटे, सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मैं 17 घंटे काम करता हूँ, वो भी पिछले 9 महीने से लगातार। ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट पे, कोई 9 घंटे से ज्यादा की एक ऑफिस में भी शिफ्ट नहीं करना चाहता और आप 17 17 घंटे काम करते हो, तो ऑपरेट आप अपने घर से ही करते हैं? ये घड़ी पे हेडक्वार्टर बनाया हूँ उसी को मैं, और अभी तक क्योंकि जी 56 स्टार्टअप ऐसे ही मुजफ्फरपुर निकले। में? जी, मुजफ्फरपुर में हेडक्वार्टर है इसका। जी तो एक ओवरऑल व्यू की बात करें, 56 कंपनी आपने अलग अलग खोली, आपने कहा कि हम लोगों को सपना दिखाना चाहते हैं, तो इसका एक कोई लॉन्ग टर्म आपका गोल तो होगा कि आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं या 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं? मैं देखता हूं कि मेरी कंपनी सबसे ऊपर होगी दुनिया में अगले 10 साल में। आप जहां देखेंगे आपको जैसी मिलेगा और मंत्रा ही मिलेगा, क्योंकि सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की नंबर वन कंपनी बनेगी। तो क्या है ये कंपनी अगर इसके बारे में आप बता पाएं? ये एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, सो सूर्यांश कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी एंड वी आर करेंटली डाइवर्सिफाइड इन जी मोर देन 56 सेक्टर्स। तो ये एक जी इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी आगे बनेगी, जो कि विभिन्न क्षेत्र में फैली होगी, सारे क्षेत्र को हम कवर कर लेंगे। जी जी तो मान सकते हैं कि इलोन मस्क और ये सब, इनको तो आप पीछे छोड़ देंगे, वैसे ही आपने एक लिस्ट में तो पीछे छोड़ ही दिया है। जी टेक क्रंच की लिस्ट में मैंने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो सब मेरे आइडल्स हैं, और अगर उनसे मैं थोड़ा सा भी ऊपर उठ जाऊंगा रैंकिंग में भी, अगर आगे भगवान जी का आशीर्वाद रहा तो मैं उनसे ऊपर उठ जाऊंगा कंपनी की रैंकिंग में, बिलियनर की रैंकिंग में, जी नेटवर्क की रैंकिंग में, वो सब आशीर्वाद होगा भगवान का। लेकिन जी अपने आइडल से, अगर अपने मेंटोर से अगर मैं ऊपर उठ रहा हूँ थोड़ा सा भी, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है। जी और बात करें, आपने कहा आइडल्स का आपने जिक्र किया, तो देश दुनिया में जो भी टॉप बिलेनियर्स है, जो भी बिजनेसमैन है और ऐसे रिनाउंड लोग हैं, इनमें से कौन है जो आपको, आपके आइडल्स हैं और जो आपको इंस्पायर भी करते हैं? सर इलॉन मस्क जी, वॉरेन बफेट सर, सबको मैं देखता हूँ, उनसे स्टॉक मार्केट से मैंने जी सीखा है, बिजनेस से सब सीखा है, और बस सारे जी बिलियनर्स को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सब जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो 40 साल पहले करके बैठे हुए हैं, तो उनका एक्सपर्टीज, जी उनका एक्सपीरियंस अगर मैं सुन भी ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी अच्छा एक बात जो हर दर्शक के मन में इस वक्त आ रही होगी, जो हमें देख रहे हैं, कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा, 13 साल का एक बच्चा, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना चाहिए, थोड़ी खेल कूद करनी चाहिए, कहाँ वो सीईओ बनने जा रहा है? तो ये कैसे पढ़ाई कैसे कर पाते हैं आप साथ साथ में और माँ बाप को? अभी जी मैं दिन जी के 1 2 घंटे पढ़ता हूँ, और मेरा बाकी सारा समय नए प्रोडक्ट्स बनाने, इनोवेशन करने में चला जाता है। जी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मैं दुनिया का यंगेस्ट सीईओ इसलिए बना हूँ, क्योंकि एक कहते नहीं, मैं एस्पायर करता हूँ अपने ड्रीम्स को, मैं एक एम बनाता हूँ और उसके पीछे हमेशा लगे रहता हूँ। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सुबह उठो और तब तक भागो जब तक तुम अपने सपनों को पूरा ना कर लो, इसलिए मैं भाग रहा हूँ अपने सपने के पीछे, और एक दिन ये जरूर पूरा होगा। तो वो सारे लोग चुप हो जाएंगे, कुछ सपोर्ट में आ जाएंगे, कुछ लोग शांत हो जाएंगे हमेशा के लिए, कि ये क्या, इसको मैं कहता था और ये क्या बन गया आज, ये सब आशीर्वाद है। तो नेगेटिव पीपल जो है ना, वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा मेरे अंदर की कमी निकालते हैं। क्योंकि तो जैक मा जी कहते हैं, बहुत बड़े बिलियनियर है, कि अगर आप एक कमरे में बैठे हो जहां आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वो कमरा ही बदल दो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना पढ़ते जाओगे आप उतना जी ही ऊपर उठते जाओगे, जितना काम करते जाओगे उतने ही आप आगे बढ़ते जाओगे। जी और बात करें, आपने कहा कि मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर को भी लेकर आपके कुछ सपने, आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, वहीं आपने घर में ही हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, तो क्या चाहते हैं, मुजफ्फरपुर को भी एक नई पहचान आप देना चाहते हैं?
मुजफ्फरपुर को मैं भारत का सबसे बड़ा शहर बनाना चाहता हूँ टेक से रिलेटेड। इसको मैं एक टेक हब बनाना चाहता हूँ। जैसे आज लोग जी बैंगलोर जाते हैं इन्वेस्टर्स से मिलने, स्टार्टअप्स की मीटिंग करने, वैसे ही लोग मुजफ्फरपुर आएंगे। अगर मेरा आइडिया सक्सेसफुल जी हो गया, मेरे जैसे और फाउंडर्स मैंने पैदा कर दिए, तो ये जरूर एक दिन ये टेक हब बनेगा मुजफ्फरपुर। जी और सूर्यांश, जो आपने सारी अपनी कंपनीज का जिक्र किया, 56 की 56 कंपनीज, ये सारी लॉन्च हो चुकी हैं या अभी कुछ है जो लॉन्चिंग प्रोसेस में है? क्योंकि ये सब कुछ टैक्स से रिलेटेड काम होता है, तो ये सब ऑनलाइन आ गया जी है। मेन धरातल पे स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। जी तो ऐसी कोई, जो आपने 56 कंपनीज बताई, उनमें से ऐसी कंपनीज हैं जो अभी येट टू लॉन्च है? अभी हमारी कंपनी मंत्रा फाई जेएस बिजनेस, उसके बाद हमारी हो गई जिप्सी कैब्स, ये सब एकदम लॉन्च होने जी वाली है। जी और आपकी बातें सुन के तो ये लगता है, यंगेस्ट सीईओ तो आप हैं ही, लेकिन बातें सुन के ये भी लगता है कि बहुत बड़ी टीम पीछे काम करती है। तो ये आप ही हैं और आपके पिताजी ही हैं, या फिर इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है? मेरे अलावा मेरी कंपनी में 5 को-फाउंडर्स हैं और 20-25 फ्रीलांसर्स ऑनलाइन काम जी कर रहे हैं हमारे साथ अभी। तो इन सब की जी गाइडेंस रहती है, मेरे को-फाउंडर्स की गाइडेंस रहती है, तो बस काम हो रहा है। जी तो आप एक तरह से पूरी टीम को लीड करते हैं, जी। और कैसे आप उन्हें गाइड करते हैं कि अब अगला प्रोडक्ट जो है, अगली कंपनी जो है, वो कैसे लेकर आनी है, किस तरह से आप पूरी गाइडेंस देते हैं? हर वक्त मेरे दिमाग में इनोवेशन चलते रहता है और मैं कुछ ना कुछ नया बनाना चाहता हूँ। हर सेकंड मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ यूनिक रहता है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। एक जी डिवाइन पावर आप कह सकते हैं कि अगर मैंने जी कभी किसी चीज को देख लिया तो वो मुझे हमेशा के लिए समझ आ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने टीम मेट्स को भी समझाने की कि क्या आपको एस्पायर क्या करना है, आपको इंस्पायर कैसे करना है, लोगों को नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं और इस कंपनी को टॉप जी पे कैसे पहुंचाना है, ये सब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। जी अच्छा, जो आपने 56 कंपनीज बताई, इसके अलावा कोई और ऐसे आइडियाज हैं या कोई ऐसे आपको देश में, दुनिया में ऐसे इश्यूज नजर आते हैं जिसे आप अपनी कंपनी की मदद से वो इश्यूज आप एक तरह से रिजॉल्व करना चाहेंगे, या फिर कुछ इश्यूज पे अपनी कंपनी की मदद से आप काम करना चाहेंगे, ऐसी कोई चीजें दिखती हैं जो ब्रिज, आप वो गैप ब्रिज करना चाह रहे हैं? अभी मेरे जितने भी स्टार्टअप्स आप देखेंगे वो सब कुछ ना कुछ यूनिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आइडिया कॉपी जी पेस्ट वाले बिजनेसेस ये नहीं है। आप मेरी जैस बिजनेस ही देखेंगे तो वो 30 मिनट में डिलीवरी कर रही है, जो लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है और सेटिस्फेक्शन देता है कि हमने अभी ऑर्डर किया और 30 मिनट के अंदर आईफोन या रेफ्रिजरेटर कोई भी प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाए। हमारी मंत्रा जी फाई हो गई, जो लोगों को सपना दिखाती है, जो सबसे बड़ा आज का बिजनेस बन गया है, क्योंकि ये जो मार्केट है हमारी ई कॉमर्स की वो $4 ट्रिलियन की है, और अगर हम लोग इसका जी 1% भी ट्रांजेक्शन चार्ज करें मंत्राफाई में, तो कंपनी $41 बिलियन की बन सकती है। तो यही मेरा गोल है। जी और इन ये जो सारे पैसे हैं, जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसका 50% यूनाइटेड नेशन से जुड़ी संस्थाओं को जाएगी, जो कि पूरे दुनिया में नए जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको उनके सॉल्यूशंस में वो सब योगदान देगी और खर्च जी होंगे। जी और इन सभी कंपनी जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें सबसे यूनिक चीज क्या है जो आप आने वाले दिनों में, आने वाली जनरेशन को आप तोहफे के रूप में देना चाहते हैं? तो हमारी कंपनी जो मंत्रा फाई है उसका आइडिया सबसे यूनिक है। आप इसी प्रकार समझ सकते हैं कि अभी जी मार्केट में फिलहाल संभवतः हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ये आइडिया इतना यूनिक है कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं निवेश करने के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे डीप टेक्नोलॉजी में बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। आप इसी जी समझ सकते हैं कि अब क्रिप्टो करेंसी मुंबई दिल्ली मेट्रो मेट्रोपोलिटन सिटीज का ही बात हो गया था, जहां पे सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे क्रिप्टो करेंसी में। जी लेकिन जी क्या गांव का आदमी का भी योगदान होना चाहिए इस फाइनेंशियल रिवोल्यूशन में? तो मेरा जवाब हमेशा हाँ रहता है, क्योंकि वो भी पार्ट है इस जी समाज के। और मैं इसलिए Tier 2 और Tier 3 सिटी के लोगों को मदद करना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए। इसलिए हमारी कंपनी जी एक कंपनी नहीं, एक रिवोल्यूशन है। तो आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर है? जी, एकदम ही फ्यूचर है। अभी जैसे हम लोग वेब 2.2 में जी जी रहे हैं, जो कि पिछले 15-16 साल से चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अब इसका अंत आ गया है और हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच गई है कि अब मेटावर्स तक बन रहा है। तो इसी जी प्रकार फ्यूचर में बिलीव करते हुए मेरी खुद की कंपनी जैस मेटा भी है, जो कि जिसमें हम प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए। और ब्लॉकचेन इसलिए भविष्य है ना कि उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हैश के रूप में स्टोर होते हैं, तो वो इतना ज्यादा सिक्योर है कि आप खुद के ट्रांजेक्शन को भी 10 सेकंड बाद नहीं पकड़ सकते। तो आज जो ये जी सेंट्रलाइज बैंक हो गए, SBI हो गए, HDFC जैसे बहुत बड़ी सेंट्रलाइज बैंक है, जी भी अच्छा है हमारा डिसेंट्रलाइज जो कि गैर संगठन ब्लॉकचेन की कंपनी होती है। और आज आप जितनी जी कंपनी देखेंगे तो वो कोई ना कोई जी उसका शेयर होल्डर लीड करता है उसकी कोई, जैसे मैं भी अपनी कंपनी को CEO बन के लीड कर रहा हूँ, MD बन के आगे लीड करूंगा, मेरी माँ भी MD है, वो लीड कर रही है।
लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है ना कि वहाँ शेयर होल्डर्स नहीं, वहाँ डाओज होते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ जिसके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है वही कंपनी के डिसीजन ले सकता है, और उसमें सारे जी लोगों की मेजोरिटी, आपको साइन भी होना चाहिए कि आइडिया आगे जाएगा। तो जी ब्लॉकचेन के बारे में सूर्यांश, एक एक चीज, जी जी सूर्यांश, एक चीज और, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक सिंपल सी चीज नहीं है, इसके पीछे काफी थॉट प्रोसेस है, और आपने भी इससे रिलेटेड जो है एक कंपनी खोली है, अगर आप लोगों को बता पाए, आपने कहा कि आपकी मार्केटिंग जो है वो बहुत तेज है, आप अगर 1 मिनट में ये बता पाए कि क्रिप्टो करेंसी के लिए वो आपके प्लेटफॉर्म पर क्यों आए? तो मैं यही, बस आप 1 सेकंड के लिए सोच लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं, आप अपने आंख के सामने क्रिप्टो करेंसी में लोग बढ़ रहे हैं कि किसी ने 1,000 रुपए लगाए वो सारे 800 करोड़ बन के बाहर निकले, किसी ने 10,000 लगाए उसके सारे 10 करोड़ बन के निकले। तो ऐसे क्रिप्टो टोकन्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका वो मौका छूट गया है। उस मौके को जी वापस लाने के लिए, आपके सपने को वापस लाने के लिए, आपको वापस अपनी पहचान याद दिलाने के लिए, हमारी कंपनी मंत्रा फाई आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी, जो आपको मदद करेगी क्रिप्टो करेंसी जैसे डीप टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए बिना किसी वित्तीय ज्ञान के। जी 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 सूर्यांश, और इससे जो भी आप अपनी कंपनीज चला रहे हैं और जो आने भी वाली है, इससे आपको आपको काफी फाइनेंशियल फायदा हो रहा है, मतलब पैसा आपके पास भी आ रहा है काफी? पैसा मैम, जो पैसे जो है वो आगे मैं कमा लूंगा, लेकिन जो अभी नाम कमा रहा हूँ, जो लोग का प्यार कमा रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले भी जी नहीं कमा सकते। आज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी अर्निंग कितनी हो रही है, तो अर्निंग नहीं, मैं अपनी कंपनी की प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन बता सकता हूँ, जो कि स्टार्टअप वैल्यू के द्वारा दिया गया है। हमारी कंपनी की जी प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन है $30 मिलियन, यानी कि 241 करोड़। रेवेन्यू अभी नहीं जी आ रहा है क्योंकि हम लोग सब प्रोटोटाइप स्टेज में, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर यही जी सवाल मुझसे 1 साल बाद पूछा जाएगा तो आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरे अर्निंग्स से। जी और अंत में यही पूछना चाहूंगी कि आपने काफी बड़ी बड़ी बातें की, और जरूर दर्शकों को भी आपकी जो 56 कंपनीज के इंट्रोडक्शन से बड़े बड़े सपने तो देखने को मिल रहे हैं, वो भी जब आप मुजफ्फरपुर बिहार से आते हैं और उसे एक हब बनाना भी आप चाहते हैं, आपने कहा, आपके कभी माता पिता ने ये नहीं कहा कि अभी तो भाई तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है, भाई कहाँ सीईओ बन रहा है, लेकिन आपने कहा कि आपके पिताजी हैं वही आपको इंस्पायर करते थे, तो पढ़ाई लिखाई के लिए कभी नहीं टोकते कि यहाँ कुछ कम ना रह जाए, पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 16 सितंबर 2021 को मैंने जैस बिजनेस का आइडिया अपने पापा को सुनाया था। कोई और पेरेंट्स जी होते तो क्या कहते कि बेटा जाके अभी पढ़ो, क्योंकि अभी तुम्हारी पढ़ने की एज है, बिजनेस से बाद में कर लेना, पहले कॉमर्स लेके पढ़ाई करो, कोई डिग्री लो, तब जाके फाइनेंस में आना। मेरे पापा ने पहले ही दिन पहले मिनट में ही कह दिया था कि बेटा एक पीपीटी बना के लाओ, और उसी पीपीटी के बाद मैं उनके बदौलत यंगेस्ट सीईओ बना हूँ अपने पेरेंट्स के बदौलत। मेरी माँ का सपोर्ट रहता है कि अगर मैं रात को जगता हूँ तो वो रात भर मेरे बगल में बैठी रहती है, और बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं एक सपोर्ट बन के कि ये बच्चा काम करते रहे, इसको नींद ना आए, इतना ज्यादा सपोर्टिव है मेरा फैमिली, मेरे अगल बगल के लोग। उन्होंने जी लिटरली आज तक मुझे नहीं टोका है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो। पहले मैं पढ़ता था, 6-7 घंटे पढ़ता था, लेकिन अब मैं मुश्किल से किसी किसी दिन 1-2 घंटे पढ़ता हूँ। कभी भी वो नहीं कहते, और ज्यादा मोटिवेट करते कि तुम जो कर रहे हो वो इस देश को बदलेगा, पूरी दुनिया को बदलेगा, और तुम जो काम कर रहे हो ये बड़े बड़े जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी नहीं सोच पाते, और वो काम तुम कर रहे हो। तो ऐसी मोटिवेशनल फैमिली है मेरी, और यही जी बैकग्राउंड रहा है मेरा, जिसके कारण आज मैं दुनिया का जी सबसे छोटा सीईओ बना। जी और जैसे आपने कहा कि आप 1-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 1-2 घंटे में इतनी पढ़ाई हो जाती है कि आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं? जी, मेरे हमेशा मार्क्स 75% से 85% के बीच में ही आए हैं, तो मार्क्स आ जी जाते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज फोकस के साथ करता हूँ, टाइम ब्लॉक करके करता हूँ, कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं खेलूंगा ही, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो जी बिजनेस भी करूंगा, और जब मैं पढ़ता हूँ तो बस मैं पढ़ता ही हूँ। जी अच्छा, काफी सीरियस यहाँ पर बातें हो गई, कंपनी की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, इस साथ साथ कोई हॉबीज हैं जो आप परस्यू करते हैं, क्योंकि आपके जैसे जो आपकी एज के बच्चे हैं वो आज की डेट में आपकी उम्र में पढ़ना पढ़ना तो चाहते हैं, साथ में खेलकूद भी बहुत करना चाहते हैं? तो मेरा कोई खेलने ये सब का तो हॉबी नहीं है, लेकिन मुझे बुक लिखने की हॉबी है, मुझे बुक पढ़ने की हॉबी है, इसलिए मैं अभी तक 212 से भी ज्यादा बुक्स मैं पढ़ लिया हूँ फाइनेंस ये सब के फील्ड्स में। और अभी मैंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी, 10 महंगाई करके, आप देख सकते हैं। ये बुक मैंने पिछले वर्ष लिखी थी, ये पब्लिश भी हो चुकी है, 10 महंगाई सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और अभी मैं एक फाइनेंस पे बुक लिख रहा हूँ, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बस यही इंटरेस्ट है मेरा, और फाइनेंस को पूरी दुनिया बना लिया हूँ अपनी, और बस इंटरेस्ट है तो यही काम मैं कर रहा हूँ। और अंत में एक सवाल ये भी कि सोशल मीडिया आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो वहां आप दूरी बना के रखते हैं, सोशल मीडिया को अपना एक पार्ट बनाकर आप चलते हैं?
सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता और ना ही मैं यंगेस्ट सीईओ बन पाता। क्योंकि आज मैं आपको बस एक ही एग्जांपल देता हूँ, जो पहले लोग न्यूज देखने के लिए पूरा दिन दिन भर बैठते थे कि इस समय ये न्यूज आएगा, आज के यूथ इंस्टाग्राम स्क्रोल करते करते वो न्यूज पढ़ लेते हैं। अब मैं कभी जी भी न्यूज की बात आती है तो मैं कभी यूट्यूब ऐसे पर सर्च नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम स्क्रोल करते रहता हूँ और उसी में कभी ना कभी कोई ऐसा न्यूज आ जाता है जो मेरे फील्ड का हो और जो मुझे जानना चाहिए। लेकिन आज सोशल जी मीडिया खराब भी है उन बच्चों के लिए जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बच्चे आज फोटो मॉर्फ करके लड़कियों को तंग कर रहे हैं, जो आज उस पर बुलिंग हो रहे हैं, जो ट्रैप में फंस रहे हैं लड़कों या लड़की, जो भी आपको उससे एंटी पार्टी पीपल होकर सोशल मीडिया के जो लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं उसमें, वो गलत है। सोशल मीडिया का यूज उस प्रकार गलत है, क्योंकि मैंने यूज किया है तो आज जी मैं बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गया हूँ और आगे भी करते रहूंगा उसका प्रकार उसका इस प्रकार से यूज करूंगा जिससे मेरा ग्रोथ आगे भी रहे। और लोग आज सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि आज ये लड़का, मान लीजिए मुझे से कोई आदमी इन्फ्लुएंस हो गया कि ये लड़का आज 13 साल में यंगेस्ट सीईओ बन गया, मैं 13 साल में था तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो डीमोटिवेट होने की जी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी 1 साल में बिलियनियर बन गया है तो उसको इंस्पायर मत करो, तुम 10 साल में ही बनोगे लेकिन दोनों के आगे बिलियनियर का टैग लगा ही रहेगा। बिलियनियर नहीं, आप छोटी, अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, कोई आदमी आपका कोई दोस्त आपसे पहले नौकरी में चला गया, उसको कुछ अच्छे पोस्ट पे आईबीएम में जॉब हो गई, तो आप उसे जलो मत, आप भी मेहनत करो, उस जलन को अपने अंदर एक आग के तरह लो और उसी के साथ काम करो, आपको भी सक्सेस मिलेगा। तो कभी मन में जलन की भावना नहीं लानी चाहिए किसी के भी आदमी के लिए। अगर कोई सक्सेसफुल बन रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट नहीं तो इग्नोर कीजिए, लेकिन जलन कभी मत लाइए अपने मन में। सूर्यांश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज तक से जुड़ने के लिए। और तमाम ये जो दर्शक थे देख रहे थे कि किस तरह एक 13 साल का बच्चा यंगेस्ट सीईओ बन जाता है, अलग अलग तरीकों से ही सही, आप भी इससे जरूर इंस्पिरेशन जो है वो ले सकते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी, आप क्या इनसे इंस्पायर हुए नहीं हुए, ये जरूर कॉमेंट्स में लिखकर बताएं। और देखते रहिए न्यूज तक। जी, धन्यवाद।